दर्शकों, अभी फिलहाल में नागपुर के दीक्षा भूमि पर है। और जी हाँ, ये वही दीक्षा भूमि है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में लाखों की संख्या में हमें धम्म की दीक्षा दी थी। और आज हमारा जो समाज है, आज हम जो जिस तरह से जी रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। और अभी आप देख सकते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन को 60 साल पूर्ण होने वाले हैं। और यहाँ पे लाखों की तादाद में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए बौद्ध जनता तथा अम्बेडकर जनता यहाँ पे आई है। और आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग और यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो आइए, यही से कुछ महिला है, उनसे जानना चाहेंगे। आप पहली बार आई है दीक्षा भूमि, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो? नागपुर से आए हो आप? नांदेड़ से। हर साल आते हो? नहीं, आते अभी अगले साल आते। ये पहली बार है इसकी। आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? फैमिली है, हम पहले आए थे दो चार बार, अब ये सबको लेके आया मैंने। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, दिल भर के आ रहा है। लेकिन बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी है, इस पर आप अमल कर रहे हैं? करते। किस तरह के करते हैं? उस काम, किसी भगवान को नहीं मानते, किसकी पूजा नहीं करते, उसके दबाव के नीचे नहीं जाते। और यहाँ आने के बाद हम पहले सबसे पहले किताब खरीदते। कौन सी किताब लेके जाते हैं? अभी वो संविधान लेने जाने है। और दूसरे को अच्छा लिखते है वो सब किताब, सब बोले तो 10-5 किताब लेके जाते। और लेके जाने के बाद जो अपने आदमी अच्छा लगता है तो उसको दान बोल के दम के भेंट दे देते उसको। कितने यहाँ से किताबें लेके जाते हो आप? अभी 10 किताब कम से कम। हाँ, आप अपने फैमिली के साथ आए हैं या फिर पड़ोस के भी जो लोग अपने साथ आते हैं उनके? हमारी लोग हैं, ये हमारी फैमिली है। तो अभी यहाँ से आप किताब लेके जाओगे? आपके गाँव में कुछ आप ऐसे प्रोग्राम वगैरह करते हो? जयंती शुरू करते हैं 14 अप्रैल, उसके बाद में जैसे 6 दिसंबर है या 3 जनवरी है, माता सावित्री की जयंती 7 में ही है, तो ऐसे उस जयंती के दिन वो सब नेते के फोटो रखते और उसकी पूजा करते, बोले तो जय भीम बोलते उसको। दादा, क्या कहना चाहोगे आज आप नागपुर की दीक्षा भूमि पे आए हो, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसा तो फिलहाल में मैं हर दिन यहाँ से गुजरता हूँ तो मेरे को सुख जैसा लगता है। मैं कभी भी यहाँ से जाता हूँ तो दर्शन करके चला जाता हूँ। तो एक बात मेरे को ये कहना है कि अपन को 60 साल हो गए बाबा साहब ने दीक्षा दी, फिर भी हमारे लोगों में परिवर्तन नहीं हुआ। जिनके जो अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू, लेकिन उनके घर में इतने देवी देवता हैं कि पूछो मत। लेकिन वो उनको मैं यही कहना है उनको कि और खाली महापुरुषों, संत महापुरुषों, जगनाड़े महाराज, जो अपना गाड़गी महाराज, जो भी जिनके विचार अच्छे हो, उनको सभी संत महापुरुषों को अपनाओ, बस यही मेरा कहना। तो आपको लगता है क्या तस्वीरें फेंकने से ही बुद्ध धर्म स्वीकार कर सकते हैं? नहीं नहीं, उनके 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 मन से भी, उनके आचरण से भी हो सकता। आप किस तरह से जो बाबा साहब के जो आचरण है, जो विचार है, आप किस तरह से अपना साथ करते हो? मैं तो सभी तरह से आचरण क्या है ना, हम सभी बोलते हैं कि 60 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी हम आप खुद को अगर समझते हैं कि हमें आत्मसात क्या करना चाहिए, तो आप कितना कर सकते हो? मैं तो बहुत करता हूँ, मैं तो पूरा टोटल बुद्धिस्ट हूँ। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, पंचशील दिया है, त्रिशरण दिया है या अष्टांगिक मार्ग दिया, तो आप कितना आत्मसात कर रहे हो? मैं तो 22 प्रतिज्ञा में से 22 प्रतिज्ञा में से तो 12 तो प्रतिज्ञा तो मैं यूज करता हूँ। तो ये अपने परिवार तक ही सीमित है या फिर आप पड़ोस के लोगों को भी इसका प्रचार करते हो? मेरा पड़ोस के लोगों को बताता, जो सुनता है उसको अच्छा लगता वो करता है। लेकिन मेरे माँ ने भी वो छोड़ा नहीं, लेकिन मैं और मेरे मिसेज और परिवार, मैंने सब छोड़ दी। क्या कहना चाहोगे काका आप? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो कुछ खुद सीखा और हमारे लिए जो कुछ 22 प्रतिज्ञाएं दी है, जो भी 22 प्रतिज्ञाएं और काफ़ी कुछ लिटरेचर रखा हुआ है, हम बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए बाबा साहब ने जो भी मार्ग हमें बताया है उससे आगे हम एक कदम भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोल सकते। बाबा साहब ने जो बताया वह पूरे पूर हमें फॉलो करना है, क्योंकि बाबा साहब एक अपने मायने में एक अपना विद्यापीठ है, हमारा एक विद्यापीठ है, हमारे एक मार्गदर्शक है, उनके बताए हुए मार्ग पर हमें पूरी तरह से चलना है। काका, तो आप खुद ही चलते हो या फिर अपने परिवार को भी चला? मैडम मैं खुद भी चलता हूँ और मेरे परिवार को भी चलाता हूँ, मेरी बच्ची भी है, मेरा लड़का भी है, ये पूरी तरह से हम लोग 22 प्रतिज्ञा, मैं पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूँ खुद कि मैं पूरी 22 प्रतिज्ञाएं पालन करता हूँ या नहीं, मगर मेरी ओर से मैं पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूँ। ना ही मैं किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन करता हूँ, ना ही किसी प्रकार की दारू पीता हूँ और ना ही किसी प्रकार का झूठ बोलने का प्रयास करता हूँ। हो सके तो मैं किसी भी आदमी को मदद करने के लिए तत्पर हूँ।
मैं जितनी हो सके मेरी ओर से मदद, मैं उतनी ओर से मदद अवश्य करता हूँ। और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन मुझे पता नहीं, लेकिन मैं करने के प्रयास करता हूँ। तो आप नागपुर के हो? नहीं, मैं अमरावती का हूँ और मैं SC ST एसोसिएशन का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे साथ में हमारे हिम्मत बंसोड़ जी भी है जो अध्यक्ष है। और मैं यह पूरी प्रयास करता हूँ और हमने हमारी ओर से काफ़ी लोगों को, आप पता नहीं मुझे, पर हमने काफ़ी लोगों को इस प्रति लाया है कि वो दारू न पिए, किसी भी प्रकार का मद्य का सेवन न करें और मद्य मादक पदार्थ का सेवन न करें। इसलिए हमने काफ़ी लोगों को इससे सुधारा है। क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो धर्मांतर किया है और उन्हें हमें जो एक प्रोटोकॉल दिया है, जो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे कि त्रिशरण पंचशील, अगर यह हम हमारे जीवन में लाते हैं तो हमारे बच्चों पे, हमारे पीढ़ियों पे, हमारे समाज में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आएगा कि वो एक समाज जो कभी दबा हुआ था वो सत्ता पे आएगा और लोगों को बताएगा कि चलो बुद्ध की ओर। और मैं इस अवसर पर सभी आए हुए हमारे बांधवों को शुभेच्छा देता हूँ और बाबा साहेब अम्बेडकर का सही सही ढंग से हमारे जीवन में अनुसरण करने का आह्वान करता हूँ। जय भीम, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ में दीक्षा भूमि से कुछ लोग और जिन्होंने बातें की, और साथ ही साथ बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा दी थी, उस 22 प्रतिज्ञा पर किस तरह से हमें अमल करना चाहिए वो भी बताए। लेकिन एक भैया हमसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते। दादा, आपने जो पंचशील का ध्वज अपने इस पर कंधों पर लहरा है, क्या मकसद है आपका और क्या कहना चाहते हो आप? सबसे पहले तो मैं ये 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के बारे में सभी को शुभेच्छा देता हूँ। और जो यहाँ पे जो बहुजन समाज है, इन्होंने सबसे पहले तो हम नागवंशीय थे, 2500 साल पर हम बुद्धिस्ट थे, लेकिन ये जब ब्राह्मणवादी विचारों ने उनके ऊपर यानी अपना शासन प्रस्थापित करने के लिए उनके ऊपर यानी जाति व्यवस्था उसमें डिवाइडेड की और जातियों में और 33 कोटि भगवान देके उनको यानी गुलाम कर दिया और वो अभी तक राज करते आ रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज इतना सोया हुआ है कि उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और जो अभी भी मनुवादी विचारों को वो चुन के लेके आ रहे, उनके पास इकोनॉमिकली पावर है, एजुकेशन पावर है और मीडिया का पावर है। मेन यानी जो मीडिया का पावर है उसके वजह से वो इन लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बहुजन समाज है, जब पढ़ेगा तो सुधरेगा, तो इन्होंने पढ़ना चाहिए। और जितने भी देवी देवता है इनको अपने समाज यानी दिमाग से, ब्रेन से निकाल देना चाहिए और भगवान बुद्धों के विचारों पे सिर्फ घर में 1 महीना चल के देखो, उनके जीवन में यानी डेवलप अपने आप नजर आएगा। यानी विज्ञानवादी दृष्टिकोण इतना अभी भारत के बाद अमेरिका यानी डेवलप हुआ, लेकिन उन्होंने विज्ञानवादी विचार एक्सेप्ट किया है, इसीलिए वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। लेकिन भारत इतना प्रगट होके जहाँ फॉरेन के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, आज भारत की यूनिवर्सिटी का नाम देखो कहीं पर नहीं है। तो क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहे। और जो बहुजन समाज है इतना यानी विघटित हुआ है भगवानों के नाम से, तो उन्होंने सबसे पहले जो हमारे भाई बंधु है, जो बहुजन समाज है 85% जो हमारे ऊपर 15% राज कर रहे हैं, उन्होंने आज जागरूक होने की जरूरत है। अगर ये बहुजन समाज अगर जागरूक नहीं होगा तो एक दिन इंडिया को गुलाम होना ही पड़ेगा, और फिर एक बार गुलाम होने के बाद उसको कोई यानी आज़ादी देने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुजन समाज जागो और अपना एक नया भारत का निर्माण करो, ताकि एक ये बहुजन सत्तों की सत्ता आएगी और एक नया भारत उभरेगा, वो अमेरिका के आगे जाएगा। जय भीम। क्या प्रयास करना पड़ेगा फिर? सबसे पहले प्रयास यही करना पड़ेगा, हमारे जो दिमाग में जो ये मनुवादी विचार है वो निकाले गए, तो वो अपने आप प्रयास करने लगेंगे और वो सब यूनिट हो जाएंगे। जब ये 85% जो समाज अगर यूनिट हो गया तो उनको अपने आप ऑटोमेटिक डेवलप नजर आते रहेगा और वो एक के साथ एक जुड़ते जाएंगे और एक नया कारवा बनता जाएगा। नया कारवा बनेगा तो कोई यानी चाहे मीडिया आए या कोई आए, फिर अपना मीडिया निर्माण होगा। जो आज मीडिया में है वो भी अपनी मीडिया में आ जाएंगे, बोला नहीं ये अभी बहुजन समाज जागरूक हुआ, ये अपना मीडिया कोई काम नहीं कर रहा। क्योंकि हम डेवलप हो जाएंगे उतना अपना दिमाग यानी डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले एजुकेशन लो और जो अपने इसमें दिमाग में जो भूत भरा है वो बाहर निकालो और फिर अपने नए भारत का निर्माण करो जो बाबा साहब ने सोचा था। और सभी समाज को लगे, इतना ही कहकर मैं अपने 2 बातें खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, प्रबुद्ध भारत। औरंगाबाद से आए? औरंगाबाद से आए। तो यहाँ पे किस तरह, मतलब ट्रेन से आए हो या बस से आए हो? लग्जरी किया है हमने, ग्रुप के साथ आए।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा दिख रहा है। नहीं, बहुत अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हो? बाबा साहब का जो उसने लिखा है वो ध्यान में रखना है, फिर इसलिए मैं हमारे सर्वप्रथम माँ कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और भारतीय राज्य घड़ने के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को त्रिवार वंदन। और उसी तरीके से इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को 60 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे उपस्थित, और इस टीवी के माध्यम से हमें देख रहे हैं सारे भारत और सारे विश्व को, इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा को नहीं बाबा की मानो। और बाबा साहेब ने इसी दीक्षा भूमि पे C2D4, D2D4, SWOT का सिद्धांत दिया था। ये C2D4 कैपेसिटी, कैरेक्टर, कैपिटल, क्रेडिट वर्थिनेस, और D2D4 डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड डिसीजन। SWOT का मीन ये है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। हमारे पास चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज है, विश्व में कहीं भी नहीं है, वो इस भारत में है, जातिवादी व्यवस्था। इस जातिवादी व्यवस्था को निकालने के लिए हमें अपनी मानसिक शुद्धि करनी पड़ेगी, तभी जाके भारत अमेरिका से भी आगे निकलेगा, नहीं तो इस भारत की कोई प्रगति नहीं हो सकती है। अभी ये 6,547 जातियों में बढ़ चुका है, और ना जाने कितने जातियों में बढ़ जाएगा और दबा कुचला समाज बन के रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही विनंती करता हूँ कि बाबा को नहीं, बाबा की मानो। जय भीम, जय भारत। दर्शकों, यहाँ पे लाखों की तादाद में दीक्षा भूमि पर लोग आए हैं, अनुयायी आए हैं, और कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों पर अमल किस तरह से करना चाहिए, ये सभी यहाँ के जो महिला है, पुरुष है तथा बच्चे हैं, ये सभी हमें बता रहे। काका, क्या कहना चाहोगे आप इस मौके पर? मैं सर्वप्रथम सर्व बौद्ध बांधवांना धम्म चक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। या दीक्षाभूमीवर येऊन एक प्रेरणा, एक ऊर्जा आम्हाला मिळत असते। सातत्याने समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्वाच्या न्यायाच्या दिशेने जी वाटचाल सुरू आहे, त्या चळवळीला गतिमान करण्याकरिता आम्ही इथे दरवर्षी सातत्याने 30 वर्षापासून येत आहोत। बाबासाहेबांचे विचार तडागाडापर्यंत पोहोचवावे हा एक मानस आहे। समतेच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि न्यायाच्या आधारे हा भारत घडावा, तो जनसामान्यापर्यंत बाबासाहेबांचे विचार पोहोचावे या उद्देशाने आम्ही इथे सातत्याने जवळपास 30 वर्षापासून मी इथे आहे। हे आमचे एक प्रेरणास्थान आहे। बाबासाहेबाला अभिवादन करण्यासाठी आम्ही इथे येतो, बाबासाहेबाला सॅल्यूट मारण्याकरता आम्ही इथे येतो आहोत। बाबासाहेबचे विचार तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याकरिता आम्हाला इथून ऊर्जा मिळते, ती ऊर्जा सातत्याने टिकून राहावी यासाठी आम्ही इथे येत असतो। बाबासाहेबांनी सांगितलं, जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की या देशाची शासनकर्ती जमात व्हायचं आहे। ती शासनकर्ती जमात होण्याकरिता जे ग्राउंड लेवलवर काम करावं लागतं, खेड्यापाड्यात, गावाकुसाबाहेर जे आमचे बांधव राहतात, धम्माविषयी माहिती, बुद्ध आणि त्याचा धम्म याविषयी सातत्याने माहिती देत असतो, आणि ती माहिती सातत्याने टिकवण्यासाठी, त्याचा लेखाजोखा देण्यासाठी आम्ही इथे दरवर्षी येत असतो। मागील वर्षाचा हिशोब आणि पुढील वर्षाची वाटचाल त्याकरिता दीक्षाभूमी हे प्रेरणास्थान आहे, आमचं आधारस्थान आहे, तिथून आम्हाला नवी ऊर्जा मिळते, त्याकरिता आम्ही दीक्षाभूमीवर नेहमी येत असतो आणि यापुढे येत राहू। जय भीम। एक मिनट में एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मैं 30 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो 30 साल में क्या परिवर्तन हो पाया समाज के लोगों में? जवळपास 30 वर्षा ज्या वेळेस येत होतो, स्तूपाचं अर्धवट काम सुरू होतं, त्यावेळेस एक तर त्या स्टॉलपर्यंत एक गर्दी असायची, त्यावेळेस हे सर्व स्टॉल आतमध्ये होते, भिक्खू निवास होता। ती गर्दी सातत्याने वाढत आहे, दिवसेंदिवस वाढत आहे। लोकांना शिक्षणाचं महत्त्व जास्त प्रमाणात कळत असल्यामुळे स्टॉलाचं प्रमाण वाढलं, लोकांची येण्याची संख्या वाढली। इथे जे भोजनदानाचे स्टॉल या 30 वर्षामध्ये काफी पुढे गेले आहेत। सर्वप्रथम आतमध्ये स्टॉल लागत होते, आता तर दीक्षाभूमीच्या 2-3 किलोमीटरपर्यंत सर्व स्टॉल राहतात। येणारी ही गर्दी बाबासाहेबांच्या विचारामुळे सातत्याने वाढत आहे।
दर्शकों, हम यहाँ पे दीक्षा भूमि पे लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि 60वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में उनके क्या विचार रहेंगे और बाबा साहब के जो विचार थे वो किस तरह से लोग आत्मसात कर रहे हैं और लोगों तक, जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं वहाँ उन तक बाबा साहब के ऐसे कौन से विचार है जो पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल में हमारे साथ एक युवक है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। माझे नाव सुरवाळे प्रवीण भाऊराव, मी जळगावचा रहिवासी असून आज 3 दिवसापासून तरी पहिली भेट मी नागलोक इथे दिली, दुसरा दिवस कामठी इथं दिला। तिथून खूप आनंद वाटला आणि आज या ठिकाणी धम्मदीक्षा घेतली मी आणि प्रमाणपत्रसुद्धा भेटलं। तर आज मी या दीक्षाभूमीच्या ठिकाणी प्रेरणास्थानाच्या ठिकाणी खूप आनंद वाटतो आहे आणि धम्माचा संदेश मला भेटला, यात माझे खूप आनंद आहे। जय भीम। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कुछ युवा लोग, कुछ महिला तथा पुरुष वर्ग, जिनसे हमने वार्तालाप की और जाने दीक्षा भूमि के बारे में उनके विचार और साथ ही साथ जो बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी थी उसके बारे में भी लोगों में कहीं तक परिवर्तन आया है और साथ ही साथ समाज के लोगों तक भी बाबा साहब के विचार हमें किस तरह से पहुँचाना चाहिए, उनका कार्य भी हमें किस तरह से करना चाहिए, हमने लोगों से जाना। दर्शकों, हम दीक्षा भूमि से आपको ऐसे ही कार्यक्रम का जायजा लेंगे और जानेंगे कि दीक्षा भूमि में किस तरह से गतिविधियाँ हो रही। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैमरा पर्सन मनोरंजन गोले के साथ में मैं ज्योति हाड़के, जय हिंद, जय हिंद।